హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడ నీచే కళ్ళు. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆర్ ఆజ్ హే సండే ఆర్ టైమ్ హో రహా హే సవా ఛే. థోడా సా పౌడర్ లగా కే రెడీ హో రహీ థీ తో హస్బెండ్ ఆయే ఔర్ బోలే కే అచ్చే సే రెడీ హో జా. మేనే కహా క్యూ? తో బోలే షాపింగ్ కర్నే చల్నా హై. మేనే కహా కిస్ చీజ్ కీ? తో బోలే గ్రోసరీ ఖతమ్ నహీ హో గయీ హై. మేనే కహా హో తో గయీ హై పర అభీ తుమ్ బిజీ థే ఇస్లియే మేనే కుచ్ కహా నహీ కీ భాయీ టైమ్ నహీ హై. తో ఫిర్ మేనే కైసే కహూంగీ చలో ఆప్ మేరే సాథ, వర్నా మే హీ జాకే ఫిర్ ఆధీ పర్దీ జో భీ ఆతీ వో లే ఆతీ. तो बोले नहीं, तुम रेडी होके बैठो और मैं आता हूँ थोड़ा सा काम करके, फिर हम चलते हैं. अब कुछ कह नहीं सकते मेरे हस्बैंड का, आए ना भी आए, लेट हो जाए तो बोल देंगे कि कल चलो. तो मैं रेडी होके तो बैठ गई हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग चले जाएंगे. और वैसे भी अभी मोलू सो रहा है, तो इसीलिए मैं आराम से फ्री होके बैठ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए. और बातें क्या करनी, इतने सारे कपड़े पड़े हैं अभी मुझे घड़ी करने के लिए, मुझे उनको घड़ी भी करना है. तो मैंने सोचा मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और कपड़ों को भी घड़ी कर लूँगी. तो मैं इस सोफे पे बैठी हूँ और उधर वाले सोफे पे ढेरों सारे कपड़े पड़े हैं. आज धूप अच्छी निकल गई थी तो आज सारे कपड़े सूख गए. सारे तो नहीं सूखे, थोड़े सूख गए हैं और आधे कपड़े मैं ऊपर रूम में डाला है. आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं ना अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि मैं ऊपर वाले रूम में कपड़े डाल के आई. तो मैं रूम में कपड़े इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर मंकी त्रास है, यानी बंदरों का बहुत ज़्यादा त्रास है. अगर हम खुले में कपड़े डाल के जाएंगे ना तो आपका कपड़ा मिलेगा ही नहीं. तो सारे कपड़े ना हमें जैसे सोना चांदी सिक्योर करके रखते हैं ना, उस तरह से रखना पड़ता है. क्योंकि बंदर क्या करते हैं, कपड़े ले जाते हैं और फिर वो दिखा दिखा के फाड़ते हैं कि हम फाड़ेंगे तो ये हमको कुछ कुछ खाना पीना दे देंगे. और इतने नालायक होते हैं ना बंदर की, खाना पीना भी दे दो ना तब भी फाड़ के चले जाते हैं. तो आप समझ गए, मैं इसी वजह से ना हमेशा ये कहती कि मैं ऊपर वाले रूम में कपड़े सुखा के आई हूँ. तो मैं इसीलिए ऊपर वाले रूम में कपड़े सुखाती हूँ. इतना टाइम तो होता नहीं कि कपड़ों को लेके हम बैठे रहे, उनको देखते रहें कि हाँ भाई तुम सूख जाओगे तब हम तुमको लेके जाएंगे. मैं तो जाके ऊपर वाले कमरे में डाल आती हूँ, आज के कपड़े कल सूखते हैं, कल के परसों सूख जाते हैं. और जैसे सूखते जाते हैं वैसे वैसे मैं नीचे ले आती हूँ. कौन है? मुझे लगा कि गेट पर कोई है. अब देखिए हस्बैंड का. तो ये रही मेरी पुटरिया कपड़ों की, इनको भी मैं साफ 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 घड़ी करती जाती हूँ. और मोलू अभी सो रहा है, सबसे बड़ी बात है ना मेरे लिए, रिलैक्स वाली बात है ना कि वो अभी सो रहा है. तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं ना जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठ के बातें करेंगे. क्योंकि ना काम करते करते फिर बातें नहीं हो पाई थी कि मैं आपसे बात करूँ कि काम करूँ. ऐसा करती हूँ, मैं पहले जल्दी से अपने कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे. और अगर हस्बैंड आ गए तो फिर मैं आपको चलूंगी शॉपिंग पे लेके अपने साथ, ठीक है? तो ऐसा करती हूँ, पहले जल्दी से मैं अपने कपड़े घड़ी कर लेती बन रहे हैं मेरे चावल दाल. और उस कुकर में मैंने बनाए थे पॉपकॉर्न, जो कि ये रहे. और मैं और मेरे बच्चे अब हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न खा के. और देखिए वो मेरा बेटा ट्राइपॉड लेके आया. देखिए जब भी फोन उठाऊंगी तो कहेगा मम्मी ट्राइपॉड में लगा लो, ट्राइपॉड लेके आ गया. तो पहले मैं ट्राइपॉड ले लूं. तो अब मैंने बनाए थे पॉपकॉर्न और मैंने अभी डिनर में बनाया है दाल चावल. सबके फेवरेट होते हैं और सबके ही घर में बनते हैं. हमारे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बट ठंड की वजह से अभी हम
नहीं खा रहे थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद दाल और चावल दोनों चीज बनाई है। तो दाल में मैंने बनाई है अरहर की दाल और राइस, प्लेन राइस बनाए हैं। तो इसकी क्या आदत है कि जैसे ही सो के उठेगा ना तो मखाने मांगेगा कि मखाने दे दो या कटोरी में कोई भी ऐसी चीज दे दो। तो मैं क्या करती हूँ कि एक जो रेफर्स आते हैं ना, ये चिप्स वगैरह खाता है तो उसके रेफर होते हैं ना, मैं उनको उठा के रख लेती हूँ। और इसको मैं ऐसे कटोरी में कोई चीज दूं या नॉर्मली घर से बना के कोई चीज दूं तो ये लेता नहीं है, नहीं रोने लगेगा, फेंकेगा, रोने लगेगा बहुत। तो मैं क्या करती हूँ, वो जो रेफर का पैकेट होता है ना, वेफर का पैकेट होता है ना, मैं उसके अंदर ये आई जैसे मैंने पॉपकॉर्न बनाया है तो ये चीज़ उसमें डाल दूंगी, या घर की कोई भी चीज़ बनी हुई है ना तो उसमें डाल के इसको दे देती हूँ। तो इसको लगता है कि बाहर से ला के दिया है और ये खा भी लेता है, मेरा काम भी हो जाता है ना। आइडिया अच्छा। जब बच्चे जिद्दी होते हैं ना तो दिमाग लगाना पड़ता है, दिल से नहीं मानते ये। और पॉपकॉर्न खा रहे हैं मेरे साथ बैठ के, दिखाती हूँ मैं आपको कि बैठा दीदी, दीदी नहीं है मम्मी है, दीदी है? कैसा मुंह बना रहा है देख के हस्बैंड आए थोड़ी देर के लिए और बस पॉपकॉर्न में बना रही थी उस वक्त है, बोले मैं 5 मिनट में भी फिर आ रहा हूँ, फिर चले गए। अब बज गए हैं 7, अब पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, जब भी मैं कहीं जाने के लिए तैयार हूँ, वैसे मैं ज़्यादा तैयार होती नहीं हूँ, और ज़्यादा क्या होती नहीं हूँ, बहुत ही कम होती हूँ, बस कभी कभार लिपस्टिक लगा लूँ, काजल लगा लूँ तो लगा लूँ। तो आज थोड़ी सी बस जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के तैयार हुई कि बाहर जाना है तो चलो थोड़ी सी तैयार हो जाऊँ। मुझे लगता है मेरा प्लान फिर से कैंसिल होने वाला है, मुझे लगता नहीं है कि वो चाहेंगे। और फिर उनके मूड की बात है, मूड हो जाए तो हाल कहने लगेंगे, चलो ऐसे ही हैं वो। चलो कोई बात नहीं, तो आज हम बात कर लेंगे। तो सुबह की थोड़ी सी दाल रखी है मैंने, सुबह बनाई थी मूंग की दाल पालक वाली, तो वो बनाई थी मैंने। तो राइस मैं इनका पानी निकाल देती हूँ, या दाल में सीटी लग रही है तो जब तक सीटी नहीं लग रही तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। फिर तो सी आवाज़ आती ना तो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा डालूंगी ठंडा पानी चावल में और बंद कर दूँ गैस को। चावल तो हो गए। हाँ तो दाल भी हो गई, हुई नहीं है यानी बॉईल हो गई है। अब मुझे उसमें बघार लगाना, यानी जो कहते हैं तड़का लगाना, बाकी मैं तड़का दाल बना रही हूँ तो वो बाकी है। चावल हो गए मेरे, तो चावल को मैं इसी तरह से पसाती हूँ। इस तरह की एक मेरे पास छोटी लीड है, जाली टाइप, उसको फ्राई पैन पर रख के और अच्छे से टाइट पकड़ के मैं सारा चावल का जो माड़ होता है ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे और दूसरा बर्तन नहीं बिगाड़ना पड़ता। और हम माड़ निकाल के ही चावल खाते हैं क्योंकि हम पहले से इतने मोटे हैं, और चावल का माड़ खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे। तो किचन का तो ऑलमोस्ट काम हो गया, दाल बस इसकी जो सीटी है यानी इसके अंदर जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, तो फिर मैं दाल में तड़का भी लगा दूंगी। तो तड़का उसी तरह से लगाऊंगी, बस प्याज टमाटर लहसुन सारी चीज़ों को डाल के फिर उसका तड़का लगा दूंगी। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे चावल, बट उन्हें बाजरे की रोटी खानी है, उन्हें चावल नहीं खाने हैं। बच्चों के दिमाग का कुछ पता नहीं पड़ता। खैर तो हस्बैंड तो आए नहीं, फिर से उन्होंने मुझे झूठी गोली दे दी। अब आएंगे तब देखूंगी उनको, झूठ बोल के चले गए मुझसे। तो
तो मैं सोच रही हूँ कि अब जाना तो कैंसिल हो ही गया, और मैंने अपना कोट भी उतार दिया क्योंकि ना उससे मुझे काम करते नहीं पा रहा था, वो फुल स्लीव है ना, और काम करते में ना क्या ये फिर वो मुझे टकराता है, मुझसे काम नहीं होता उससे। तो मैं सोच रही थी ला दाल में तड़का लगा दूँ, बच्चों को तो खाना खिला के मैंने फ्री कर दिया, अब हमारे लिए मैं दाल में वघार लगा लेती हूँ, यानी ये गुजराती लैंग्वेज है, यानी तड़का लगा लेती हूँ दाल में। तो उसके लिए अब मैं आई थी उसकी प्रिपरेशन करने, प्याज वगैरह काटूंगी। दाल के तड़के के लिए मैंने ये प्याज और हरी मिर्च और ये एक टमाटर लिया है, तो जीरा क्रैक हो गया है, अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो सारे टमाटर, तो टमाटर प्याज सब हो गई, मैं दाल में लगा देती हूँ तड़का, और हरे धनिया कोरी लीव्स मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि दाल का मजा ना बिना हरे धनियों के नहीं आता। देखिए मैं आपको अपनी दाल दिखाऊं, दिख रही है नया अच्छा कलर आया है। और बस अब दाल में मैं थोड़ा सा दाल मसाला भी डालूंगी। बोलो बंद 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 बंद। तो थोड़ा सा दाल मसाला, तो डिनर तो हो गया कंप्लीट मेरा, दाल चावल भी हो गए, मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया। हाँ बेटा अब चॉकलेट खानी है उसको। तो मैं अपने बच्चों के लिए, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं बस ये रखती हूँ ये वाली चॉकलेट, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है और इसके अंदर ज्यादा केमिकल भी यूज नहीं होते। तो मैं बस अपने बच्चों को ये चॉकलेट देती हूँ, और इसमें से भी मैं हाफ करके दूंगी, लो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना कि दोनों हाथ में चाहिए, तो उसमें से भी मैं हाफ करके दोनों हाथों में दे देती हूँ। बच्चों के संग करना पड़ता है, क्या करें। सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी 8 बज रहे हैं। आज मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि 8 ही बज रहे हैं। देखो तो 8 बज रहे हैं अभी, यानी 8:15 बज रहे हैं। डिनर भी कंप्लीट हो गया है, बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया, और बस अब हस्बैंड आएंगे तब मैं और हस्बैंड दोनों डिनर कर लेंगे। सुबह की भी थोड़ी सी दाल रखी है तो मैं उसको भी फ्राई कर लूंगी, उसको आपसे बात करते समय मैं उसको फ्राई करना ही भूल गई, तो मैं उसमें भी अगेन तड़का लगा लूंगी हींग जीरे का।
हींग जीरे का तड़का लगा के फिर हम उसी चीज को वापस से अगर खाते हैं ना, तो उसका वही टेस्ट आता है, और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखती हूँ अब वो कब तक आते हैं। चलो तो फिर उसके बाद मिलती हूँ, आ जाएंगे फिर, मुझे इस व्लॉग को एंड भी करना है, तो चलो बाद में मिलते हैं। उधर मत देखो, उधर मत देखो, उधर मत देख। बोले आज के बता तो, जोर जोर से आज के बता तो। आज के बताओ और जोर से, आज के बता। चिड़िया बोला, चिड़िया किसे बोलती है? और फ्रेंड दोनों भाई बहन मिलके इतनी मस्ती कर रहे हैं कि वहां पे तो मुझे वीडियो का एंड करना ही नहीं मिला। तो मैं इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ और उन दोनों को संभालू। इतनी मस्ती कर रहे हैं। आया 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 आया, देखो आया। बस रात हुई नहीं कि दोनों का खेल चालू, दोनों की दौड़ भाग चालू हो जाती है। दोनों एक प्लास्टिक का स्नेक है, उससे खेल रहे दोनों के दोनों। निकलो बाहर, निकलो, चलो बाहर निकलो दोनों। इतनी मस्ती देखो। दोनों लगे हैं अपनी मस्ती करने में। मैंने सोचा चल चलो मुझे उसको खाना खिलाना है। इसका सैरेलेक देखो वहाँ बेड पे वो रखी है ना, बॉल में बना के रख दिया है। बस उसको खाना खिलाऊंगी और सुलाऊंगी, नहीं तो वो ऐसे ही मस्ती करता रहेगा, पूरी रात सोएगा ही नहीं। बहुत शैतान है, बहुत मस्ती करता है। तो गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे मन करे तो कमेंट भी करना। तो बाय बाय। दिखाई तो दे नहीं रही है मेरी बच्ची, बाय। मोलू से बाय बोल, बाय टाटा, बोले टाटा, गुड नाइट टाटा, बोल टाटा को टाटा दे दिया उसने। अरे तो गुस्सा कर रहा, रख दो रख दो नीचे रख दो। टाटा बाय बाय टाटा। अरे छोड़ दो बेटा, लग जाएगी उसके पेट में। बाय टाटा टाटा टाटा, गुड नाइट गुड नाइट। बोलो गुड नाइट, करो गुड नाइट गुड नाइट। बाय बाय।